हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है, इसका उपचार क्या है, और अगर यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं, और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। माइकार्डियल इन्फेक्शन या MI का कारण बनती है। MI एक बेहद खतरनाक कंडीशन है जो हृदय की मांसपेशियों में ब्लड फ्लो होने की कमी की वजह से होता है, जिसे आमतौर पे हार्ट अटैक भी कहते हैं। यह एक इमरजेंसी है और इसमें जान जाने का खतरा होता है। हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है जो शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्लड को पंप करता है। इसमें चार मुख्य चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और राइट वेंट्रिकल इसे फेफड़ों में धकेल देता है। फेफड़ों में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का मेन पंपिंग चैम्बर है और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर एओर्टा के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड पंप करता है। पर आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह हृदय को भी ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड की जरूरत होती है, और इसे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं कोरोनरी आर्टरीज। कई सारी छोटी छोटी कोरोनरी आर्टरीज एओर्टा से जुड़ी हुई होती हैं और हृदय की मांसपेशियों को आवश्यक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हृदय की मांसपेशियों में सप्लाई होने वाले ब्लड में रुकावट आ जाती है। ऐसा अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक यानी कोरोनरी आर्टरीज में फैट, कोलेस्ट्रॉल या अन्य किसी चीज के जमा हो जाने से, या कोरोनरी स्पैज्म यानी कि आर्टरीज में ऐंठन आ जाने से, या फिर कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन यानी कि आर्टरी के जाने की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में फैटी प्लैक के लगातार बढ़ने से कोरोनरी आर्टरी का गैप कम हो जाता है, और अगर ये प्लैक टूट जाता है तो ब्लड एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज बन जाता है। आमतौर पर ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से ही कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है। दूसरे कारण जिनके कारण कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, जिसमें अचानक से कोरोनरी आर्टरी ऐंठ जाती है, और यह ड्रग्स, स्मोकिंग, ठंड के मौसम या अत्यधिक तनाव के चलते हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन। इस केस में आर्टरी की अंदरूनी दीवार टूटकर अलग हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है। हृदय के किसी भी हिस्से में इस तरह की रुकावट आ जाने से वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं, जिस वजह से हृदय की मांसपेशियाँ मर जाती हैं। इस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी के कारण सीने में अचानक दर्द होना, बेचैनी होना, जकड़न महसूस होना या जलन होने को एंजाइना कहते हैं। एंजाइना पेट के ऊपर वाले हिस्से, कंधों, बाहों, गर्दन या निचले जबड़ों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इस कंडीशन में सांस फूलना, चक्कर आना, पसीना आना और जी मचलना जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। फैटी प्लाक के कारण जब कोरोनरी आर्टरीज काफी हद तक ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसे ठीक करने के लिए कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक प्रक्रिया से ब्लड फ्लो को ठीक किया जाता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर कमर की त्वचा को सुन्न कर देता है, और फिर आपकी त्वचा के जरिए जांग की एक नस में सुई डालता है। इसके बाद नस में सुई के जरिए एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर डाला जाता है, और फिर सुई को निकालकर इसकी जगह पर एक छोटी फ्लेक्सिबल ट्यूब डाली जाती है, जिसे शीथ कहा जाता है। इसके बाद शीथ के रास्ते से गाइड वायर को हृदय तक पहुंचाया जाता है। इस गाइड
पैर के ऊपर से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे कैथेटर कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंचा दिया जाता है। इस दौरान पेशेंट को थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है लेकिन उसे दर्द नहीं होगा। इसे देखने के लिए एक्सरे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फ्लोरोस्कोप कहते हैं। पॉइंट पर डॉक्टर गाइड वायर को निकाल देता है। इसके बाद डॉक्टर कैथेटर की टिप को कोरोनरी आर्टरी के अंदर डाल देता है और जांच करने के लिए आर्टरी में एक खास तरह के डाई को डालता है। डाई डालने पर आर्टरी में किसी भी ब्लॉकेज को आसानी से देखा जा सकता है। अगर काफी बड़ा ब्लॉकेज दिखाई पड़ता है तो डॉक्टर आर्टरी के अंदर एक गाइड वायर को डाल देता है और वायर के ऊपर से कैथेटर को ब्लॉकेज वाली जगह पर ले जाता है। कैथेटर की टिप पर एक बैलून लगा होता है जिसे ब्लॉकेज वाली जगह पर 20 से 30 सेकंड के लिए फुला दिया जाता है जिससे फैटी प्लाक अंदर को दब जाता है और आर्टरीज फैल जाती हैं। जब बैलून फुला हुआ होता है तब आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और पेशेंट को सीने में दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद बैलून को डिफ्लेट करके बाहर निकाल लिया जाता है और साथ ही साथ दर्द भी चला जाता है। आर्टरी के फैल जाने से ब्लड फ्लो में सुधार आ जाता है। आर्टरी को खुला रखने के लिए मेटल से बनी एक मैश ट्यूब जिसे स्टेंट कहा जाता है का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डॉक्टर पेशेंट के लिए स्टेंट की सही साइज को चुनता है जिसे एक बैलून के ऊपर कंप्रेस करके रखा जाता है। स्टेंट को उसी गाइड वायर के जरिए आर्टरी तक ले जाया जाता है। बैलून को फुलाए जाने पर बैलून पर रखा स्टेंट भी खुल जाता है और अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। बैलून वाले कैथेटर को बाहर निकालने के बाद स्टेंट कोरोनरी आर्टरी को खुला रखने में मदद करता है और फाइनली गाइड वायर को भी बाहर निकाल लिया जाता है। 3D एनिमेशन की मदद से चीजों को समझना बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाता है और लोगों को कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से समझ में आता है और इसलिए लोग 3D एनिमेटेड वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों बहुत समय से आप लोगों की डिमांड थी कि ये 3D एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, इस पर एक कोर्स बनाया जाए और आखिरकार हम आपके लिए ये कोर्स लेकर आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपको 3D एनिमेशन का एकदम जीरो नॉलेज है या थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप यहाँ वहाँ कॉन्टेंट सर्च करने की बजाय कुछ काम की चीज सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। मुझे इस फील्ड में 6 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है और इस एक्सपीरियंस के दौरान मुझे एक बात पता चली कि आपको 3D एनिमेशन बनाने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है और अगर आप 3D सॉफ्टवेयर